हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खमा घणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल। इस YouTube चैनल पे मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। तो बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बिना बेल आइकन प्रेस किए आपको नए नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको नई नई प्रॉपर्टीज और हर एक बजट के हिसाब से आपके बजट के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो चलते हैं। ये अभी हम चल रहे हैं सिरसी रोड जयपुर में, और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है विंध्याई का इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये अभी हम विंध्याई का इंडस्ट्रियल एरिया से क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम चल रहे हैं 200 वर्ग गज का मकान के लिए, जो कि 30x60 साइज है। और ये आप देख रहे हैं हमारे राइट साइड में, ये शिवार मोड़ पे पहुंच चुके हैं हम, और शिवार मोड़ से आगे बढ़ रहे हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं हमारे राइट साइड में सिरसी रोड पर मूर्तिकार कॉलोनी है, मूर्तिकारों के लिए कॉलोनी है ये सिरसी रोड पे, जेडी अप्रूव्ड है ये। और इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे 200 वर्ग गज का जो मकान है उसे देखने के लिए। ये आप देख रहे हैं हमने जैसे ही टर्न लिया, और टर्न लेकर के हम कॉलोनी में पहुंच चुके हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से हम ये कॉलोनी पूरी बसी हुई है, और यहाँ से हम सीधा अभी राइट को टर्न करेंगे। ये देखिए, हम अभी जैसे ही हमने राइट को टर्न किया और ये सामने हम मारुति नगर में आ चुके हैं, मारुति नगर सिटी रोड जयपुर। ये जिस रोड पे हम चल रहे हैं 100 फीट की रोड है ये, और इससे ये आप दुकानें देख रहे हैं, इन दुकानों के साथ से हम आगे निकल रहे हैं। तो आज हम जिस मकान को देखने के लिए आ रहे हैं, 200 वर्ग गज का, 30x60 वर्ग गज का ये मकान है, और ये कॉलोनी है मारुति नगर। ये सामने देख रहे हैं आप, पूरे मकान दिखाई दे रहे हैं, ये 122 बीघा में फैली हुई ये कॉलोनी है। और ये आप देख सकते हैं आसपास की लोकेशन, और ये काफी यहाँ पर हॉस्टल्स बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर रेंटल इनकम हॉस्टल्स की बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बच्चे काफी हैं जो कि यूनिवर्सिटी है यहाँ। यहाँ से 150 मीटर पे मेन सिरसी रोड है, ये आप देख सकते हैं मकान वगैरह सब बने हुए हैं। और ये है हमारा आज का 200 वर्ग गज का 30x60 साइज का मकान, और ये मीनावाला गृह निर्माण सहकारी संपत्ति समिति का है, सिंप्लेक्स विला है, 3BHK इंडिपेंडेंट हाउस। और ये सामने आपको देख रहे हैं महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी है, जिसमें काफी बच्चे हैं यहाँ, जिनकी वजह से यहाँ रेंटल इनकम काफी होती है, और यहाँ काफी हॉस्टल्स बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल्स की काफी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं जो कि रेंटल इनकम के लिए, तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो अभी मैं आपको इसका अंदर से विजिट कराऊंगा। ये आप देख सकते हैं मेन रोड से इसकी काफी हाइट में कुर्सी ली हुई है, और ये आप देख सकते हैं साइज है इसकी 30x60। और ये अभी हम अंदर चल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप पार्किंग, काफी बड़ी पार्किंग है यहाँ, आराम से दो गाड़ियां खड़ी हो सकती है। और इसी पार्किंग के अंदर ये पानी का टैंक है, जो कि 5000 लीटर का पानी का टैंक है। और ये आप देख रहे हो सामने की तरफ, ये ओपन स्पेस है, यहाँ पर लॉन वगैरह लगाने के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। और ये सामने का लोकेशन देख सकते हो आप, और अभी मैं लेकर चल रहा हूं आपको अंदर। ये आप देख रहे हैं मार्बल का फर्श है इसके अंदर, और स्टेयर्स जीना है मार्बल का, ये आप देख सकते हैं स्टील की रेलिंग लगी हुई है, रीसेल प्रॉपर्टी है ये। पूरी डिटेल मिलेगी आपको, बने रहे वीडियो के अंत तक।
पूरी डिटेल से पूरी बात बताऊंगा मैं, इसकी रेट वगैरह हर चीज बताऊंगा, तो बने रहे हम। यह आप देख सकते हैं डाइनिंग हॉल, 20x16 साइज है इसकी, बेहतरीन। अगर आप देख रहे हो ऐसा एक खूब खुला हुआ मकान या काफी बड़ा मकान या इस तरह का मकान देख रहे हो जिसमें बड़े बड़े रूम हो, तो आई थिंक कि आपकी सर्चिंग यहाँ पर खत्म हो जाती है। बेहतरीन मकान है और वेंटिलेशन का फुल पूरा ध्यान रखा गया है। फिनिशिंग नहीं है अभी इसमें और रीसेल प्रॉपर्टी है ये। हॉल देख सकते हैं आप, काफी बढ़िया और बेहतरीन, 16x20 साइज है इसकी हॉल की। और रियर साइड में दो बेडरूम है। अभी चलकर मैं लेकर चलता हूं आपको रूम में। 14x14 साइज का रियर साइड बेडरूम है ये। अटैच बाथरूम वगैरह नहीं है इसमें और वार्डरोब्स वगैरह बनी हुई है लेकिन कवर्ड नहीं है, कलर वगैरह नहीं है फिनिशिंग का, आप देख सकते हैं। और पीछे ये कूलर के लिए विंडो दी हुई है। और ये अनदर रियर साइड बेडरूम, ये दूसरा बेडरूम है, अटैच टू गैलरी है ये। ये भी 14x14 साइज का है, बहुत बड़े बड़े रूम है और अटैच टू गैलरी है, आप देख सकते हैं बैक साइड में। ये गैलरी है, 4 फीट की गैलरी है ये, पूरे वेंटिलेशन के लिए पीछे जगह छोड़ी हुई है। और इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं ये 100 फीट रोड जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, पीछे की तरफ 100 फीट रोड है ये। और ये इसमें शॉप्स के लिए जगह है, जैसे इस मकान के जस्ट बैक साइड में शॉप्स के लिए जगह है और ये 100 फीट रोड है। अभी हम वापस हॉल में एंटर किया और ये हॉल में इसके अंदर कॉमन टॉयलेट आप देख सकते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट है ये, रोशनी की कोई कमी नहीं है। तो ये वॉश बेसिन है बीच में और ये इंडियन टॉयलेट, दो टॉयलेट है कॉमन टॉयलेट हॉल में। लोनेबल प्रॉपर्टी है और ये आप देख सकते हैं किचन 14x8 साइज है, मॉड्यूलर नहीं है। और अगर आपको किसी भी तरह की इंक्वायरीज की चाहिए तो आप इस कॉल नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इसकी और जानकारी ले सकते हैं। साइट विजिट के लिए आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई हो। इसी के साथ ये है फ्रंट साइज साइड का बेडरूम, 10x14 साइज है इसकी। और इसकी एंट्री बाहर से भी मेन एंट्रेंस है, ये आप देख सकते हैं। और यहां पर ये स्पेस छोड़ा हुआ है लॉन वगैरह के लिए। और बाहर से सामने का लोकेशन देख सकते हैं आप, और ये आप देख रहे हैं सामने महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी। और ये सामने काफी मकान वगैरह बने हुए हैं, काफी हॉस्टल्स बने हुए हैं यहाँ जहां बच्चे रह रहे हैं। यूनिवर्सिटी के काफी बच्चे हैं जिनको कि हॉस्टल में रहने की रिक्वायरमेंट है, या काफी रेंटल इनकम यहाँ आप जनरेट कर सकते हो। अभी हम वापस रूम में एंटर हो चुके हैं और ये हॉल आ गया है वापस। अभी हम चल रहे हैं टेरिस पे, मैं आपको टेरिस पे लेकर चलता हूं। यह आपने देखा है पूरा मकान विजिट किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस मकान में या ऐसी किसी प्रॉपर्टी में, तो अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सामने देख रहे हैं आप यूनिवर्सिटी और ये आसपास का लोकेशन, पूरे मकान वगैरह बने हुए हैं। और मेन रोड जो सिरसी रोड है उससे मात्र 150 मीटर अंदर है ये। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई हो तो दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और साइट विजिट के लिए आइए।
और अगर इस तरह की किसी और प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो या आपके कोई जानकार हो जिनको प्रॉपर्टी पसंद हो या सर्च कर रहे हो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कि रेंटल इनकम वाली हो, तो आप ये वीडियो उनको शेयर कीजिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी रेट, एक्चुअल रेट है वो आपको इस नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 200 जो 100 फीट रोड मैंने बैक साइड में बताई थी उसके साथ ही ये दुकानों की स्पेस है, और यहां से मात्र 100 मीटर पे सिरसी रोड है। तो बने रहे हमारे चैनल पे, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आप देख सकते हैं विनायक हॉस्टल है ये, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी और वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।